अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। नवंबर 1913 इस लिहाज से एक यादगार साल था कि पहाड़ों का सीना चीर कर अंग्रेज़ ने वो रेलवे लाइन जो कभी टेक्सला तक या रावलपिंडी तक थी उसे हवेलियां तक बिछाया, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसे एबटाबाद के साथ जो है वो मिलाया जाए। लेकिन हवेलियां और एबटाबाद के दरमियान में दो पहाड़ कोहे सरबर और पंचकूर, ये पहाड़ एक ऐसी दीवार थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों की ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकी कि वो हवेलियां को की रेलवे लाइन को एबटाबाद से मिला सके। लिहाजा नवंबर 1913 में हवेलियां तक ही रेलवे लाइन को फ़ाल कर दिया गया, और कहा यह जाता है कि फिर अंग्रेज़ों ने अपना भरम रखने के लिए कह लें या यूं कह लें कि एबटाबाद की को नई शिनाख्त देने के लिए हवेलियां रेलवे स्टेशन का नाम ही एबटाबाद रेलवे स्टेशन रखा। कहा यह जाता है कि पहले इस जगह को टेशन कहा जाता था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन बना और तो एबटाबाद हो गया। ये रेलवे स्टेशन हवेलियां और टेक्सला से हवेलियां तक की रेलवे लाइन जो बिछाई गई, ये बिछाई भाई लक्ष्मी चंद ने। ये कहते हैं कि एबटाबाद के बहुत ही मतमबल और अमीर ताजर थे, ठेकेदार थे, और ये रियल एस्टेट का काम किया करते थे। अंग्रेज़ दौर की बहुत सी सड़कें उन्होंने बनवाईं, अंग्रेज़ दौर की बहुत सी इमारतें उन्होंने बनवाईं, और ये मतलब अच्छे खासे अमीर आदमी थे। लिहाजा उन्होंने ये रेलवे लाइन बिछाई टेक्सला से हवेलियां तक, हवेलियां का रेलवे स्टेशन जो है वो तामीर कराया। मैं इस वक्त उसी हवेलियां रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो कभी एबटाबाद कहलाया करता था। इस वक्त तो खैर हवेलियां रेलवे स्टेशन पर जो तख्ती लगी हुई है वो हवेलियां की ही लगी हुई है, लेकिन मैंने बताया कि ये कभी एबटाबाद हुआ करता था और उससे पहले स्टेशन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हवेलियां कैसे बना? अगर ये एबटाबाद था या खाली स्टेशन था तो इसे जो है वो क्यों हवेलियां का नाम दिया गया? तो एक सर रोजा राम थे, उनका ताल्लुक कुछ लोग कहते हैं एबटाबाद से था और कुछ लोग कहते हैं कि वो लाहौर के रहने वाले थे। उन्होंने यहाँ एक बहुत ही हवेली बनाई, बहुत ही मतलब शानदार किस्म की हवेली सर रोजा राम की हवेली बनी। तो लोगों ने उनकी देखा देखी यहाँ मज़ीद हवेलियाँ और सराय बनानी शुरू कर दी। कहते हैं कि जो पुराना सिल्क रोड था जो आज के शाहराहे कराकरम कहलाती है, वो हवेलियाँ के मकाम से तब भी गुज़रती थी, आज भी गुज़रती है। तो लोग ये किया करते थे कि मतलब जो कारवान होते थे वो तवील फासला उस ज़माने में घोड़ों और ऊँटों पर तय किया जाता था। ये जो काफ़िले जाया करते थे यहाँ से गिलगित, काशगर, स्कर्दू और चीन के दूसरे इलाकों को, या मतलब वस्त एशिया के इलाकों को जो काफ़िले जाते थे, वो यहाँ आकर क़याम किया करते थे। और इसी वजह से फिर ये वो एक हवेली या बहुत सी हवेलियाँ बनी, तो इस इलाके का नाम ही हवेलियाँ रख दिया गया और आज ये इसी नाम से मारूफ है। तो हवेली की वजह तस्मिया जो है वो ये है। ये जो प्लेटफार्म है इस वक्त यहाँ हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी है, इस प्लेटफार्म को बहुत से एजाजात हासिल हैं। अंग्रेज़ों ने बनाया और जो वायसराय, अंग्रेज़ जरनेल, फौजी दस्ते और रेड यार्ड कपलिंग, बहुत अजीम शायर इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का बहुत अजीम शायर, ये प्लेटफार्म को एजाज़ हासिल है कि इसने उन सब के कदमों को छुआ। वो लोग यहाँ उतरते थे और फिर घोड़ा गाड़ियों के ज़रिए, खच्चरों के ज़रिए, बग्गियों के ज़रिए वो एबटाबाद जाया करते थे जो यहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पर है। तो अंग्रेज़ों ने ही जो है वो इसको रिवाज दिया, तब तांगे भी चला करते थे और जो है वो सिख और हिंदू कारोबार पर जो है वो ज़्यादा काबिज थे। अब तो बाज़ार की शक्ल बदल गई, बाज़ार वो नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। गुरु रामदास की सराय एक होती थी यहाँ मतलब बाज़ार में, वो जलकर तबाह हो गई, उसके ऊपर जो है वो गुरमुखी ज़बान में लिखा हुआ भी होता था जो है गुरु रामदास की सराय। अकबरी होटल भी जो है वो अब ना होने के बराबर है। 1947 तक यहाँ हिंदू, सिख और उनकी जो है वो बहुत सारी जायदादें थी,
लेकिन जब उन्होंने हिजरत की यानी यहाँ से वो गए अपना हिंदुस्तान, तो मुसलमानों ने या तो ओने पौने दामों उनकी जायदाद ख़रीद ली या फिर उन पर कब्ज़ा कर लिया। तो हवेलियाँ एबटाबाद की क़ुर्बत के बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर सका जो कि इसे करनी चाहिए थी। टेक्सास से अगर आप रेलगाड़ी में सवार हो जाएं, ये जो गाड़ी खड़ी है हज़ारा एक्सप्रेस जिसका मैंने आपको नाम बताया, यहाँ से कराची जाती है, लेकिन हवेलियाँ से टेक्सला तक ये जो ट्रेन है ये खच्चर की चाल चलती है, मतलब ढींचू ढींचू करती हुई। हम उस रेलवे लाइन को डेवलप नहीं कर सके जिस रेलवे लाइन को अंग्रेज़ों ने बड़ी चाह से बिछाया था। दरिया हरू का ब्रिज दरमियान में आता है, वो पार करती है, लेकिन रफ्तार इसकी नहायत सुस्त होती है। वादी बोलान में जो ट्रेनें चलती हैं उनकी रफ़्तार तो इस वजह से सुस्त है कि वो मतलब पहाड़ी इलाका है और बहुत ही जो है वो खौफनाक किस्म की चढ़ाइयाँ हैं, इस वजह से ट्रेन आहिस्ता चलती है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि हवेलियाँ से रावलपिंडी तक इस ट्रेन को ऐसी कौन सी बात है कि इस ट्रेन मतलब इस ट्रैक को सही नहीं किया जा सकता। हवेलियाँ में कंटोनमेंट भी है, पाकिस्तान की बहुत एक मारूफ जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ मौजूद है। हवेलियाँ कहा यह जाता है कि शाहराह कराकरम की तामीर का आगाज़ हवेलियाँ के उस पुल से हुआ था जिसे अयूब पुल कहा जाता है, और एक ज़माने में बहुत खूबसूरत था, मतलब जब बना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे यहाँ हर चीज़ पर जो है वो गर्द मट्टी और धूल जम जाती है। हम कभी उसकी जो है वो तामीर करके फिर उसकी मुरम्मत की तरफ ध्यान नहीं देते। यही बदकिस्मती उस पुल के साथ हुई कि जब वो बना तो एक खूबसूरत पुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पुल मतलब गर्द तले मट्टी तले दबता रहा। पुल है, अब भी है, ऐसा नहीं कि वो पुल नहीं है, लेकिन अब उसकी वो खूबसूरती मान बढ़ चुकी है जिसकी वजह से उसे खूबसूरत पुल कहा जाता था। नाम उसका अयूब ब्रिज है, अयूब पुल कह लें आप उसको। उसकी वजह ये कि हवेलियाँ के करीब हरिपुर हज़ारा का जो इलाका है, हरिपुर शहर का जो इलाका है, उसके करीब एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है रेहाना। रेहाना के जो है वो रहने वाले थे पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान, और उन्हीं के नाम पर ये पुल उसका नाम जो है वो रखा गया अयूब पुल। ये हरिपुर का रेलवे स्टेशन इसलिए कि जो है वो मैं रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ कि उसकी पुरानी इमारत कुछ नई जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन ये कि बहसीत मजमू ये पुराना रेलवे स्टेशन ही है। जिस तरह अंग्रेज़ बना के मुमकिन है कि ये छपरा वगैरह जो है वो ऊपर जो आ रहा है ये नया डाला हो, लेकिन रेलवे स्टेशन कदीम है, टाइलें नहीं लगी हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है। और जब थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर इंजन का रुख बदलने का एक जो है वो जो तकोन बनी होती है इंजन का रुख बदलने के लिए वो भी मौजूद है, दूर है, लेकिन बहरहाल यहाँ से इंजन का रुख बदला जाता है क्योंकि जब इधर से आता है तो इसका मुँह एबटाबाद की तरफ होता है, और जब जाता है तो जाहिर सी बात है तो उसे दिल्ली की तरफ जाना होता है। सरबन पहाड़, दरिया दौड़ जिसके पुल का मैंने जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जो हवेलियाँ को दूसरी जगहों से मुमताज़ करती हैं। इसके करीब कुछ आबशारें भी हैं, ज़ाहिर पहाड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यकीनी तौर पर उनमें आबशारें भी हैं, और उन आबशारों से मतलब कुदरत का जो है वो नज़ारा होता है, कुदरती हुसन का नज़ारा होता है। बालोगत लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं कि आप आ आ आ बहुत करते हैं, सूरतहाल ये है कि मैंने कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं होता, और अगर आप फिल्मी बोलें तो ये आ आ आ बहुत होता है। एक साहब ने तो बाकायदा कमेंट किया हुआ था कि आप आ आ बहुत करते हैं, तो मैंने बड़ी आजजी के साथ इज्जत के साथ उनसे कहा कि यार मैं हकला हूँ, इस वजह से जो है वो आ आ होता है। कुछ लोगों को इतराज़ है कि मैं जो है बहुत बोलता हूँ, कोई नहीं बर्दाश्त कर रहे यार, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको जो थोड़ी बहुत मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है वो उन्हीं पे कनात करें। आपको अपनी स्क्रीन पर एक नई और एक बोसीदा सी
इमारत नज़र आ रही होगी। इस इमारत पर गुरुमुखी में लिखा हुआ है गुरु रामदास की सराय। ये एक किसी ज़माने में सराय हुआ करती थी हवेलियाँ की, लेकिन अब ये इमदादारे ज़माना के हाथों ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, और ना किसी ने कोशिश की है इस इमारत को नए सिरे से बनाने की। सराय का जो रिवाज था वो वैसे भी ख़त्म हो गया। इस तरह की कई सराय और हवेलियाँ इस हवेलियाँ शहर में मौजूद हैं, लेकिन अब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। अब जदीद सहूलतों से मुज़य्यन होटल बन गए हैं, गेस्ट हाउसेज बन गए हैं, तो लोग अब सराय में नहीं रुकते या ठहरते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलतों वाले होटल में रहें। इसी जो है वो अकबरी होटल के बिल्कुल सामने मेन रोड पर ही एक मंदिर भी है, लेकिन इत्तेफाक़ की बात यह कि मंदिर को ताला पड़ा हुआ है और उसके दरवाज़े पर एक उन्होंने पर्दा सा लटका रखा है। उसके सामने ये लाहौरी पाए चने, ये नौजवान जो है वो पाए चने भी जो है वो बेचता है, और ये वो मंदिर है जो पुराने वक्तों की याद दिलाता है, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं रह गया। मतलब ये पर्दा है और ये उसका दरवाज़ा ताला जो है वो इस पर लगा हुआ है, और अंदर से जो है वो ये है अंदर की सूरत हाल। अंदर जाने की इजाज़त कोई नहीं, मतलब इस ताले की वजह से हमने जो है वो इबादत गाहों को ताले लगा दिए हैं। लोग चूँकि यहाँ से जा चुके हैं, लिहाजा अब उन्होंने जो है वो मतलब यहाँ कहते हैं कभी कभी कोई आता है खंडर है, और अंदर से जो मुझे हवा आ रही है, जो खुशबू मुझे आ रही है, वो बहुत ही जिस तरह कुछ भीगी भीगी चीज़ की खुशबू होती है, बोसीदा चीज़ की खुशबू वो है। तो ये वो वाहिद मंदिर है हवेलियाँ का जो अभी ये याद दिलाता है कि यहाँ कभी हिंदू और सिख आबाद थे। दरवाज़ा खुला होता तो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता, यकीनन, या कोई ऐसा मतलब ज़िम्मेदार आदमी होता जिससे मैं ताला खुलवा लेता, लेकिन यहाँ कोई ऐसा शख्स या फ़र्द मौजूद नहीं है। बस जो मैं आपको अंदर हाथ डाल के ये दिखा सकता हूँ टेढ़ा मेढ़ा करके कैमरा, यही उस मंदिर की सूरत हाल है। ये है तो हवेलियाँ, लेकिन वक़ार साहब ने जो है वो अपनी जो पायों की छोटी सी दुकान उस पर लिखा है लाहौरी पाए और चने। अब उन्होंने मुझे दावत दी है खाने की, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें लाहौरी जायका ये कहाँ से जो है वो आता है। खुश रहें सरकार, अल्लाह ताला बहुत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह। आपसे बातें करता हुआ मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक आ गया हूँ। एक सिरे से चला था, यानी हज़ारा एक्सप्रेस जहाँ ख़त्म हो रही थी वहाँ से चला था, और अब मैं इसके दूसरे कोने पर मौजूद हूँ। ये वो नज़ारे हैं हवेलियाँ के, जो हवेलियों के अलावा जो है वो कहीं नज़र नहीं आ सकते। चारों तरफ से इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है, और ये जनाब हज़ारा एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि इसने कितने बजे यहाँ से रवाना होना है रावलपिंडी के लिए, और फिर ये कराची जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से चलती है कभी ना कभी पहुँच ही जाएगी। रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ तो इस हवाले से जो है वो एक बात ज़रूर कहूँगा कि अंग्रेज़ों की ये बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि हवेलियाँ को एबटाबाद से बदरिया ट्रेन मिला दिया जाए। हमारे जो है वो एक वज़ीर साहब, उन्होंने भी ये दावा किया था, रेलवे के वज़ीर थे, और वो जो है वो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ने के माहिर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हम हवेलियाँ की जो अपना रेलवे लाइन है इसे चीन तक ले जाएंगे। तो आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये तो पहाड़ियाँ हैं, आगे जो है वो 17, 18 और 20 से 25 फुट 25,000 फुट बुलंद पहाड़ हैं। तो मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से एबटाबाद तक जो है वो 12 किलोमीटर तो आप बिछा नहीं सके रेलवे लाइन, तो 750-800 किलोमीटर के पहाड़ों का दामन चीर कर आप रेलवे लाइन जो है वो किस तरह ले जाएंगे चाइना। तो लिहाजा ऐसी बातें किया करें जो हकीकत से करीब तर हों। सियासतदान हैं, ज़रूर हैं, सियासत करें, लेकिन आवाम को इस तरह के ख्वाब ना दिखाएं कि वो ख्वाब देखते देखते जब ख्वाब टूटें, रेजा रेजा हों, तो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए।
क्योंकि ये हकीकत है कि जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसके साथ ही हवेलियों से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।